दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एग्यूमेंटिन डीडीएस सिरप के बारे में, यानी एग्यूमेंटिन फोर्ट सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, कितना बड़ा बच्चा यूज कर सकता है, इसकी डोज कितनी होती है, साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए एग्यूमेंटिन डीडीएस सिरप एक ब्रांड नेम है गैलेक्सो कंपनी का। गैलेक्सो कंपनी बनाती है, हर दवाई दुकान पर, हर केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाती है, तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। बहुत ही पुराना कंपनी का है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर की चॉइस होती है एग्यूमेंटिन। दोस्तों इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी बच्चों के डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती। ये एक साल से लेके 3 से 4 साल तक के बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है, तो सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक दवा आती है, इसके अंदर 2 एंटीबायोटिक मिक्स होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम्स में दी जाती है। जैसे कि अगर बच्चे को न्यूमोनिया है, कई बार बैक्टीरिया कारण न्यूमोनिया हो जाता है बच्चे को, तो वहाँ दी जाती है। फेफड़ों में इन्फेक्शन है, फेफड़ों में कफ बनता है, मुकस है, अस्थमा है, अस्थमेटिक एलर्जी है, तो वहाँ दी जाती है। बहुत ज़्यादा खांसी आती है बच्चे को, तो उस कंडीशन में दी जाती है। गले में इन्फेक्शन है, बच्चे के जुकाम है, गला खराब है, नाक बंद है, साइनस है बच्चे के, बहुत ज़्यादा छिक्की आती है बच्चे के, वायरल है, फ्लू है, बुखार है, इन सभी प्रॉब्लम में दी जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ और भी कई इन्फेक्शन में काम करती है, आँख में होने वाले इन्फेक्शन में, कान में होने वाले इन्फेक्शन में, कोई फोड़ा फुंसी है, स्किन स्पेशलिस्ट भी स्किन इन्फेक्शन में देते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में भी दी जाती है, और भी कई सारे बैक्टीरियल प्रॉब्लम में दी जाती है। बात ना भाई काम किस तरह से करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इसके अंदर आते हैं 2 सोल्ट, दोनों ही एंटीबायोटिक है। पहला है एमोक्सिसिलिन 400 मिलीग्राम, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट 57 यानी 57 मिलीग्राम। दोस्तों एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को बनने से रोक देता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, अपनी ग्रोथ को उनको खाकर बढ़ाते हैं, जिससे कि वो सारे सारे एक साथ ही खत्म होने लगते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट दोस्तों बीटा ब्लॉकर है, बीटा नाम के एंजाइम्स को बनने से रोकता है, जो कि बैक्टीरिया के लिए अच्छी खुराक होती है, उनकी ताकत होती है, जिससे कि वो दोनों तरह से मारे जाते हैं, तो प्रॉब्लम भी फिर ठीक होने लगती है। बात करें डोज की, तो ये थोड़े बड़े बच्चे में दी जाती है, डबल स्ट्रेंथ आती है। कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 2 साल तक का डीडीएस सिरप का यूज़ करना चाहते हैं, तो वो 2.5 अमल 2 बार ले सकता है खाने के बाद। 2 साल से बड़ा बच्चा है तो वो 5-5 अमल दिन में 2 बार ले सकता है। ये सब कुछ बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा डॉक्टर की देख रेख में ही डोज देनी चाहिए। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, एलोपैथी मेडिसिन है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नींद आने में दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, उल्टी वगैरह हो सकती है, कोई स्किन एलर्जी भी, कोई स्किन रेसेस हो सकते हैं, लेकिन हर किसी बच्चे में नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सेफ दवा है और बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। सावधानी इसकी यही है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है, देने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट हो भी जाए तो उसके बारे में तुरंत डॉक्टर को बताना है और यूज़ करना बंद कर देना है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो से लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं।